चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी का सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों, मैथमेटिक्स का। यहाँ पे आर्मी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है। और देखिए, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो मेनली हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, जो तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है। जैसे हमारे यहाँ पे अननोन फिगर निकालना होता है, या फिर अननोन क्वांटिटी यहाँ पे फिगर में निकालनी होती है, या हमारा फिगर को रोटेशन करने वाला होता है, घुमाने वाला, या फिर कोई भी आकृति को काटने वाला होता है, तो ये हमारे यहाँ पे हमने लिए हैं। और या फिर हमारे अज्ञात पद को निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग हमारे सभी प्रकार के यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार लिए, उनके डिफरेंट टाइप लिए हैं, तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आप इस तरह के सभी क्वेश्चनों को आगामी परीक्षाओं में आने पर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हमारा एक रोटेशन पर आधारित है, घुमाने पर आधारित यहाँ पे है। एक फिगर हमें दिया है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर सुई बनी हुई है और एक यहाँ पे जीरो के टाइप की आकृति है। पहले केस में यहाँ पर सुई यहाँ पे है, दूसरे केस में यहाँ पहुँच गई और तीसरे केस में यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया, देखिए मूल आकृति से अंतिम तक सुई कितना कोण घूमी, हमें बताना कि सुई कितना कोण घूमी। अब देखिए, मूल आकृति क्या है, मूल आकृति यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो है, यहाँ पर पोजीशन है वो ये यहाँ पर ये है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सुई है हमारी वो कितना कोण घूमी। हमें रोटेशन बताना है, यहाँ पर रोटेशन एंगल बताना है एक सुई का। अब देखिए, पहले केस में यहाँ पर है ये जीरो हमारा हो गया। अब जब यहाँ पहुँची तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोण जो बनता है यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल इसका आधा है, और इतना हमारा टोटल 90 होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री यहाँ पर घूमा यहाँ तक, लेकिन हमें बताना है कि अंतिम पोजीशन तक कितनी घूमी। अब देखिए, यहाँ से लेके फिर यहाँ पर आ गई, और देखिए ये भी हमारा क्या है, इसका बिल्कुल आधा है, अर्थात ये भी हमारा कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हमें बताना है यहाँ पर सुई कितना घूमी, कुल यहाँ पर कुल कोण कितना हो जाएगा, कुल घुमाओ 45 डिग्री ये हो गया, और प्लस 45 डिग्री ये हो गया, तो बराबर हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे अपनी इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे लास्ट पोजीशन तक घूमी यहाँ पे इस हुई। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो बी वाला है 90 डिग्री का कोण वो हमारा सही हो जाएगा। और देखिए, आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे यहाँ पे, जैसे हमारी पहली पोजीशन में यहाँ पर सुई थी तो ये आपका यहाँ पे जीरो डिग्री हो गया, और लास्ट वाली कंडीशन क्या है आपकी, लास्ट वाली कंडीशन जो है ये आ गई आपकी। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को डैश डैश करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, और ये आपकी लास्ट पोजीशन है, और इसमें जो कोण बना ये आपको देख लेना है, और ये कोण हमारा समकोण दिख रहा है, समकोण अर्थात यहाँ पर राइट एंगल, और ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टोटल यहाँ पर जो रोटेशन होगा, जो हमारा घुमाव हो रहा है वो हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। तो इस तरह से आपको बताना है, जब भी आपको कोण बताने हो या फिर अननोन फिगर बताना हो तो आप यहाँ पर इनका ही यूज़ करेंगे घुमाने का। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया होता कि बताइए अगली आकृति क्या आएगी, तो नेक्स्ट आकृति को निकालने के लिए क्या करते आप, यहाँ पर वही कोण का यूज़ करते। आपको पता है कि हमारा प्रत्येक रोटेशन में यहाँ पे 45 डिग्री एंगल घूम रहा है, प्रत्येक रोटेशन में हमारे यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे था तो अब नेक्स्ट वाली पोजीशन में यहाँ पहुँच जाएगा, अर्थात ये 45 डिग्री फिर घूम जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, इनके साथ साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन भी क्लियर कर लेने हैं, दोनों को एक साथ कर लेना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, पूछने का अलग अलग तरीका यहाँ पर है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हैं और उनके अंदर हमें नंबर दिए हैं। ये हमारा पहला वाला एक पेयर है और एक दूसरा वाला पेयर है। अब हमें ये बताना है कि दूसरे वाले पेयर में यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले पेयर में जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले पेयर में कंपेरिजन करके निकालना पड़ता है। देखिए, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कोई एक प्रॉपर्टी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी,
और उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे ये अननोन यहाँ पे आकृति निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 है, 9 है, 25 है और ये 49 है, अर्थात ये हमारा देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। 1, 3, 5, 7 हमारे क्या है, लगातार क्रमागत हमारे विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का वर्ग यहाँ पर लिया है इन्होंने ब्रैकेट में हरे बॉक्स में, और यहाँ पे देखिए वही विषम संख्या यहाँ पे उतारी है इन्होंने 1, 1। लेकिन हमारा देखिए ये वाला जो खाना है 1 यहाँ पे है, लेकिन इसका वर्गमूल यहाँ पे हमारा यहाँ पर आ गया, अर्थात ये जो यहाँ पर बन रहा है ये हमारा एक तरीके से यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है इनकी। देखिए ये हमारी वर्गमूलों की मिरर इमेज बन रही है, यदि आप यहाँ पर एक मिरर रख दें इस तरीके से तो आप देखेंगे जो ये हमारे नंबर हैं, ये हमारे नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 और यहाँ पर 7। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो हमारा लेफ्ट में है वो राइट में आ गया और जो राइट में है वो लेफ्ट में चला गया, और हमारे यहाँ पर वर्गमूल आ गए, ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, और ये हमारी एक मिरर इमेज के तौर पर यहाँ पर दिख रही है। और वैसे ही आपको यहाँ पर भी निकालना है, ये वर्ग होगा आपका और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग मूल आएगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए वही आकृति बना लीजिए आप, एक पहले इनका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल है 4 का 2 हो गया और 16 का, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब 2, 4, 6, 8 यहाँ पे सम संख्याओं का वर्ग है, ये हमारी सम संख्याओं का वर्ग यहाँ पे है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारी सम संख्या आएंगी 2, 4, 6 और 8। लेकिन आपको यहाँ पे देखना क्या है, मिरर इमेज में देखना है, यहाँ पे दर्पण के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे, तो दर्पण से आप जब देखेंगे तो ये आकृति क्या बन जाएगी, यहाँ पर जाके ये नंबर हमारे 2 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला जो अंदर वाला हमारा होगा, अंदर वाला वही आकृति हमारी आंसर हो जाएगी, और हमें यहाँ पे दिख रहा है 8, 6, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसमें आपकी यहाँ पे इमेज भी क्लियर हो गई और हमारा अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए एक प्रॉपर जो हमारे रूल होता है वो भी आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको रिहर्सल करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस तरह कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएँ तो आप उनको निकाल लें। अब हो सकता है यहाँ पर हमारा मिरर इमेज की जगह पर यहाँ पे आपकी वाटर इमेज भी बन सकती थी, वो भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा एक श्रृंखला वाला है, एक सीक्वेंस हमें दी है और हमें निकालना अननोन यहाँ पर टर्म है, हमारे यहाँ पर क्या अज्ञात पद आएगा वो हमें बताना है। देखिए पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे सीक्वेंस को, 42 हो गया, 62 हो गया, 92, 132 और यहाँ बताना है, और आएगा 2, 4, 2 और 3, 1, 2 है। अब इनके बीच की जो गैपिंग है उनको आप निकाल लेंगे तब आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए 42 से यहाँ पर जब हम 62 में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ देखिए, और जब हम 62 से यहाँ पर 92 में जाते हैं तो 30 ऐड हुआ, और जब हम 92 से 132 में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 40 ऐड हो गया देखिए, अर्थात पहली बार में 20, फिर दूसरी बार में 20, फिर दूसरी बार में यहाँ पर दूसरी बार में 30 और फिर 40, अर्थात इनके बीच का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है देखिए, 10 अंतर हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उनके बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 ऐड कर देंगे, तो जब हम 50 ऐड कर देंगे यहाँ पर 132 में, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अननोन टर्म आ जाएगा, 132 + 50 कर देंगे तो 182 यहाँ पर आ जाएगा, 182, 182, 182, तो ये हमारा यहाँ पे अज्ञात पद आ गया, अननोन टर्म आ गया, और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको करना है, जब भी आपको कोई श्रृंखला दी होती है श्रृंखला में आपको एक प्रॉपर नियम निकालना पड़ता है, एक प्रॉपर रूल निकालना पड़ता है,
और उसी रूल को अप्लाई करके इजीली आप निकाल लेते हैं। देखिए आप पहले एक अंदर नीचे यहाँ पे एक सब सिक्वेंस बना लेंगे, एक उप श्रृंखला बना लेंगे, ये हमारी श्रृंखला मेन वाली है और ये उप श्रृंखला है जो हमारी इससे बनती है। और फिर हम इन दोनों इनमें देख लेंगे कि हमारा क्या यहाँ पर रूल लग रहा है। हमने यहाँ पर निकाल दिया था कि प्रत्येक नंबरों के बीच में जो अंतर आ रहा है यहाँ पर वो 10 का आ रहा है, और वही हमने प्रयोग किया और उसी का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर अज्ञात पद को निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग श्रृंखलाएं दी होती हैं, कभी वर्ग वाली होती हैं, कभी घन वाली होती हैं, कभी जोड़ने वाली, घटाने वाली, गुणा भाग वाली होती हैं। यहाँ पे चार ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक फोल्डिंग वाला है, जब फोल्ड करके कोई हम कागज़ काटते हैं तो वो वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है। तो हमारा फिगर किस तरीके का बनता है वो हमें बताना पड़ता है। देखिए पहले एक कागज़ है अपनी इनिशियल पोजीशन पर, अपनी प्रारंभिक अवस्था पर, बाद में हमने इसे यहाँ पे मुड़ा दिया। देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ पे जो सिंबल बना है मुड़ा दिया, यहाँ पे आधा एकदम इस तरीके से मुड़ा दिया, तो यहाँ पर हमारा सिरे बन गया। और फिर हमने यहाँ पे दोबारा इसको मुड़ा दिया, अर्थात यहाँ से फिर से हमने मुड़ा दिया, अब हमारा इस तरीके का बन गया। और फिर हमने यहाँ पर एक होल कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, खोलने पर कौन सी आकृति मिलेगी। अब ओपन करेंगे जब हम इस कागज़ को दोबारा, ओपन करने पर इसी तरह का बन गया, बन जाएगा हमारा। लेकिन जब बीच में हमने जो होल कर रखा है उससे हमारा बीच में क्या बन जाएगा, होल बनेंगे। अब उसके लिए हमारा प्रॉपर यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला होगा वो हमें बताना है। देखिए जब आपने यहाँ पे पहली बार में आप फोल्ड किया ये बनेगा आपका, और जब आपने फिर से फोल्ड किया तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पर आपने होल किया है, जब आप ये खोलेंगे तो देखिए आपका क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे पहले जो मुड़ा है उनमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे साइज़ लगी होंगी। आपने यहाँ पे होल किया था और देखिए केवल आपका इतना ही था वहाँ पे, अर्थात ये सभी इन्हीं के साथ मुड़े हुए थे। तो एक होल यहाँ पे किया तो आपका यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारा कागज़ आएगा ओपन करके वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। जब हम ओपन करेंगे तो कागज़ का जो फॉर्म होगा वो हमारा ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है इन क्वेश्चनों को। जब आप कोई भी कागज़ को फोल्ड करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपने कितनी बार फोल्ड कर रखा है, और फोल्ड करने के बाद खोलना आपको आना चाहिए दिमाग में। आप अपने दिमाग में मोड़ेंगे कागज़ को और फिर ओपन करेंगे, और वहाँ पर तब पता लग जाएगा आपको कि हमारा कौन सा वाला आएगा। यहाँ पर आप यूँ देख के डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पर आकृति को मोड़ने वाला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इनमें हमारा दर्पण बिंब और यहाँ पर द्रव बिंब के बारे में है, जो हमारे यहाँ पर मिरर इमेज होती है और एक वाटर इमेज होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए हमें बताना है RATE का दर्पण बिंब क्या होगा। यहाँ पर हमें मिरर इमेज बतानी है। अब मिरर इमेज क्या होगी इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मिरर इमेज में हमारा क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट है लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ पे है ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला हमारा जब हम दर्पण लगाएंगे तो राइट में चला जाएगा। जो लेफ्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा और जो राइट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी हमारा टॉप और बॉटम बिल्कुल वही रहेगा, टॉप बॉटम अपनी जगह पर रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा ऊपर वाला में, लेकिन जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा, जो राइट है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये फिगर आपको दिमाग में रखना है। यदि आपको ये दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी दर्पण बिंब वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और हर एक कॉम्पिटिशन में यहाँ पर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर इन पर बेस्ड आते हैं। अब देखिए हम इनमें देखते हैं आर, आर का आपको क्या बनाना है, लेफ्ट से राइट बनाना है, तो आर इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि आपको राइट में ले जाना है, लेफ्ट को राइट में ले जाना है, तो आर ये बन गया। और ए आपका इसी तरह का दिखेगा, टी भी आपका इस तरह का दिखेगा, और ई आपका लेफ्ट से राइट में ले जाने पर इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर ही RATE आपका जो दर्पण में दिखेगा वो हमारा ये वाली इमेज बनेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा वाला हमारा दिख रहा है, हमारा देखिए RATE हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है।
तो ये हमारे यहाँ पर दर्पण बिंब बन जाएगा। जो हमारे यहाँ पर मिरर इमेज है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे द्रव बिंब वाला है। अब द्रव बिंब में क्या करते हैं हम, द्रव बिंब हमारा एकदम इसका अपोजिट हो जाता है। जो हमारा मिरर यहाँ पे इमेज में होता है, मिरर यहाँ पे दर्पण बिंब में होता है, उसी का विपरीत होता है यहाँ पे। यहाँ हमारे लेफ्ट और राइट बिल्कुल वही रहते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं। टॉप बॉटम यहाँ पे, क्योंकि हम जब देखिए जब हम वाटर में देखते हैं तो हम यों देखते हैं, अर्थात ये हमारा यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो हमें यहाँ पे दिखाई देने लगेगा बॉटम ऊपर आ जाएगा और टॉप नीचे चला जाएगा। और हमारे जो लेफ्ट और राइट हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल परिवर्तन आएगा यहाँ पे टॉप और बॉटम में। अब देखिए जब आप, हमने यहाँ पे वही एग्जांपल लिया है ताकि आपको कन्फर्म हो जाए आर ए टी का द्रव बिंब क्या होगा। आर ए टी हमने यहाँ पे ऊपर भी लिया था। अब इसी का जब हम यहाँ पे द्रव बिंब बनाएंगे तो क्या बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए आर का जब आपने टॉप से बॉटम किया, देखिए आर ए टी ई को आपको देखना है तो आप द्रव में इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर नीचे बनेगी, यहाँ पर इमेज यहाँ पे देखिए, जब आप इसे उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने में टॉप का बॉटम बनेगा, तो इस तरह का दिखेगा ये, और ये इस तरह का दिखेगा, और ये इस तरह का दिखेगा, और ई हमारा वैसा ही दिखेगा। तो ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर फिगर था और ये हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, जो इमेज थी इमेज बन गई यहाँ पे। तो ये हमारा जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे इनमें हम देख लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आर ए टी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन जो हैं। और हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेनली आर्मी के लिए लिए यहाँ पे। वैसे हमारे हर एक कंपटीशन के लिए आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमारे रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तर्क शक्ति में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इस तरह के नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक हैं उनको और बताएंगे अपने अगले वीडियोस में। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके थैंक्स।